हम जब भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं तो दो बातें उसमें खास तौर पे आती हैं, आप सब जानते हैं। पहला है एजुकेशन और दूसरा है हेल्थ। पहला है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति आई जिसके चर्चे देश दुनिया में हैं। बढ़िया स्कूल बने, बढ़िया इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करे गए, 20 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों की तकदीर अरविंद केजरीवाल जी ने बदली, तो शिक्षा मॉडल निखर कर आया। दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ताबड़तोड़ काम किया। प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स यानी कि मोहल्ला क्लिनिक से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए, गरीब आदमी से लेकर देश के दिल्ली के हर आम आदमी को मुफ्त बढ़िया इलाज, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर मुहैया कराई और एक हेल्थ स्वास्थ्य का एक गवर्नेंस मॉडल देश के सामने रखा। एक तरफ शिक्षा मॉडल, एक तरफ स्वास्थ्य मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने रखा। और आज केजरीवाल साहब को रोकने के लिए इन लोगों ने हमारे शिक्षा मंत्री के घर पर रेड कर दी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। यही तो दो मॉडल थे जिसकी बात हम करते थे, शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, एजुकेशन मॉडल और हेल्थ केयर का मॉडल। और इसी को रोकने के लिए, केजरीवाल मॉडल को खत्म करने के लिए भाजपा ने हेल्थ मिनिस्टर को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में बंद कर दिया, जो कई महीनों से जेल में बंद है, और मनीष सिसोदिया जी पर आज रेड कर उन्हें भी जेल में बंद करने की तैयारी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के इनके मॉडल को बर्बाद करो, इनके मंत्रियों को गिरफ्तार करो ताकि केजरीवाल मॉडल बर्बाद हो जाए, अरविंद केजरीवाल खत्म हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, प्रधानमंत्री जी की सोच है।